नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वंचितों पिछड़ों का आज भी विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा यह फैसला पूना पैक्ट और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर का क्या मामला है, ये कोई आर्थिक तौर पर तो था नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऊंच नीच छुआछूत और भेदभाव बांटने के लिए दिया था। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आर्थिक तौर पर न्याय देना है तो नौकरियां दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने ही ब्रेक लगा दिया है, जिसे योगी आदित्यनाथ के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल योगी सरकार ने विधानसभा में नजूल जमीन विधेयक पेश किया था, जिसे विधानसभा से पास भी कर लिया गया, लेकिन विधान परिषद में ये विधेयक फंस गया। विपक्ष का कोई नेता इस विधेयक का विरोध करता, उससे पहले ही इस विधेयक का विरोध बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ही कर दिया, और भूपेंद्र चौधरी के विरोध का मतलब था कि पूरी बीजेपी इस विधेयक के खिलाफ है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी महज एमएलसी ही नहीं बल्कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में है। उन्होंने विरोध तो किया ही किया, विधान परिषद के सभापति से अनुरोध किया कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, तो सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी की बात को मानते हुए विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया, और जो बिल योगी सरकार ने विधानसभा में आसानी से पास करवा लिया था वो बिल विधान परिषद में जाकर लटक गया, और वो भी विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के विरोध की वजह से। अब इस चुनौती से उभरने के लिए योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाया गया नजूल संपत्ति विधेयक लटक गया है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई है। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर हमने उजाड़ा तो वो हमें उखाड़ देंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी से शुरू से निर्बल को सबल बनाने में काम कर रही है। आज भी नदी के किनारे सैकड़ों ऐसी जातियों के लोग रहते हैं, वो कागज कहाँ से लाएंगे। जिन लोगों ने अंग्रेजों की से लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी में योगदान दिया, आज भी उनके कई ट्राइबल हैं, वो कैसे कागज बनवाएंगे, वो जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार सभी को स्थापित करने के लिए है। हमारी सरकार बड़े लोगों से टैक्स लेकर जिनके पास आवास नहीं है उन गरीब लोगों को घर दे रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को ऐसा घुमा रहे हैं कि वोटर नाराज हो जाए। आगे 2027 के चुनाव हैं, 2029 में चुनाव हैं, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या वो हमें छोड़ेंगे, वो हमें वोट क्यों देंगे, अगर हमने उन्हें उजाड़ा तो वो हमें उखाड़ देंगे। योगी के खिलाफ लगातार बीजेपी के अंदर सुर उठ रहे हैं। इस बीच योगी ने विधानसभा में सपा पर निशाना साधा, हालांकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। उन्होंने मोदी और शाह को भी अल्टीमेटम दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आक्रामक अंदाज में कहा कि वो सरकार में नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जो भी अराजकता पैदा करेगा वो उसका अंजाम भुगतेगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि कुछ लोगों को बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन कानून तोड़ने पर तो बुलडोजर चलेगा ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने ही बुलडोजर एक्शन को लेकर आपत्ति जताई। माना जा रहा है कि बुलडोजर का जिक्र करके उन्होंने सपा को तो निशाने पर लिया ही है, लेकिन उनके निशाने पर संजय निषाद भी थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले हफ्ते कोचिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। अभी तक दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 187 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में ये मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्र में लिखा कि 31 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर अपनी बात रखी थी। अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली पर कई दावे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी से पहले ही अलर्ट जारी किया था, इसके बावजूद भी केरल सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य जांच की गई। 2 अगस्त 2024 को द हिंदू में प्रकाशित एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट भी शामिल है। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे में यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अच्छी तरह से सबको जानकारी है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेष अधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना जाता है।
इन परिस्थितियों में हम मांग करते हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की जाए। राज्यसभा में बुधवार को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि देश में फिलहाल मैला ढोने की प्रथा की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान कुल 377 लोगों की मौत हुई। वायनाड में लैंडस्लाइड से आई तबाही को राहुल गांधी ने भयानक त्रासदी बताया, जिसे राज्य ने अब तक नहीं देखा है। राहुल ने कहा कि इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि वो इस मामले को दिल्ली में और केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के साथ भी उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ये त्रासदी का एक अलग स्तर है और इसे अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि कांग्रेस पार्टी वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। वायनाड में लैंडस्लाइड से आई तबाही को राहुल गांधी ने भयानक त्रासदी बताया है, जिसे राज्य ने अब तक नहीं देखा। राहुल ने कहा कि इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि वो इस मामले को दिल्ली में और केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के साथ भी उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ये त्रासदी का एक अलग स्तर है और इससे अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि कांग्रेस पार्टी वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उन पर छापे की योजना बना रहा है। राहुल का कहना है कि उन्हें सूचना उनके अपने ईडी सूत्रों से मिली है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वो उनका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट है कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापे मारने की योजना बनाई जा रही है। खुले हाथों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरे पास है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी पर हमले की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए उन्हें फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। राउत ने कहा कि भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश यहाँ नहीं बल्कि विदेश में रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कल राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, उसके बाद हम पर हमला हो सकता है। मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और भारत आघाड़ी ने पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर अब भी गैंगस्टरों की मदद से हमला किया जा सकता है। राहुल गांधी के ईडी के रेड मारने की बनती योजना पर बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय राहुल गांधी को सता रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम करती है, लेकिन वो भयभीत क्यों है? ईडी का काम है रेड करना, वो रेड मारेगी, इसमें डर की कोई बात नहीं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, वो आजकल बेचैन है, उन्होंने इतना झूठ बोला है, इतनी अफवाहें फैलाई हैं, इसलिए वो बेचैन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं समझता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन से अधिकारी ने उन्हें फोन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने उनको घेर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को भारी बारिश के दौरान महिला से मंचलों ने छेड़छाड़ की, इसका वीडियो वायरल हुआ और बढ़ते अपराधों के लिए लोगों ने योगी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट इस घटना के संबंध में गुस्सा जताते हुए आए। यूपी विधानसभा में जब ये मामला गुरुवार को जोर शोर से उठा, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में 2 आरोपियों की जाति और धर्म बताते हुए बयान दिया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि हमने जवाबदेही तय की है, पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले में 16 आरोपी हैं। गोमती नगर पुलिस ने सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन योगी ने सदन में सिर्फ पवन यादव और अरबाज का नाम लिया। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना,
सरकार और एनटी की जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छुपा सकता है, पर सत्य की सदा जीत होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना कि नीट यूजी परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हुई है और दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज करना सरकार के पक्ष में है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार चूक रहित पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशें जल्द लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम न्याय करने के लिए और लाखों छात्रों के हितों की सुरक्षा करने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू करेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना की SIT जांच नहीं होगी, इसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की खरीद में कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच कथित लेनदेन की अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत के लिए ऐसा करना प्रीमैच्योर और अनुचित होगा। कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का आदेश देना प्रीमैच्योर और अनुचित होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार 2 अगस्त को असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का वीडियो ट्वीट करते हुए बयान दिया। आदिवासी समाज की जमीनों को लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री के होने के बाद भी पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा शोषण आदिवासी समाज के ऊपर किया गया है। मरांडी ऐसा बयान रोजाना दे रहे हैं। शर्मा जो झारखंड के चुनाव इंचार्ज हैं, आए दिन झारखंड आकर ऐसे बयान देते रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इन लोगों से भी 4 हाथ आगे निकले और कहा कि झारखंड के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए ताकि बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकी जा सके। झारखंड विधानसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने इस मामले को उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर वोट हासिल करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जवाब में 2 दिन पहले JMM कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया और निशिकांत दुबे के आपत्तिजनक बयान पर उनका पुतला फूंका। JMM ने नारा दिया, झारखंड बटेगा नहीं, आदिवासी हटेगा नहीं। बता दें, झारखंड में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। भाजपा ने इशारा कर दिया है कि वो राज्य में अपने प्रिय विषय हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव लड़ेगी ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराया जा सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। उसका कहना है ये सब राज्य के आदिवासियों को जंगल और जमीन से बेदखल करना है। भारत के तीरंदाजों को पदक मिलते मिलते रह गया। धीरज और अंकिता की जोड़ी अमेरिकी जोड़ी से 6-2 से हार गई, जिससे वो कांस्य पदक जीतने से चूक गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में पूल बी के अपने अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। बता दें, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। इस बार भारत ने पूल स्तर पर सिर्फ 1 मैच हारा है और यह हार आई थी गुरुवार को बेल्जियम के खिलाफ। भारतीय युवा शूटर मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन जारी है। मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल महिला क्वालिफिकेशन मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु गुरुवार को चीन की खिलाड़ी से हार गई और उनकी पेरिस ओलंपिक में जर्नी यहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे करियर की सबसे मुश्किल हार है, इसे स्वीकार करने में वक्त लगेगा लेकिन जिंदगी चलती रहेगी और मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगी। पेरिस 2024 की यात्रा एक जंग थी जिसमें 2 साल की चोटें और लंबे समय तक खेल से दूर रहना भी शामिल था। इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ खड़ा होना और 3रे ओलंपिक में अपने अद्भुत देश का प्रतिनिधित्व करना मुझे वास्तव में धन्य महसूस कराता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अपने भविष्य के बारे में मैं स्पष्ट होना चाहती हूँ, मैं खेलना जारी रखूंगी लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद। इस ब्रेक की मेरे शरीर और इसमें भी अहम मेरे दिमाग को जरूरत है। मैं आगे की यात्रा के बारे में ध्यानपूर्वक योजना बनाऊंगी ताकि अपने पसंदीदा खेल को लुत्फ उठा सकूं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।